इंस्टॉलेशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे हम घूमने गए तो वहाँ बारिश लग गई, जिसकी वजह से कुछ सीन्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए, इसलिए आपको ये वाला व्लॉग थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लग सकता है। बट व्लॉग को पूरा देखें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर आप। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं डोबरा चाटी पुल, और अभी तो फ़िलहाल कोई लाइट नहीं चली है, थोड़ी देर बाद लाइट चल जाएगी। ये डोबरा चाटी जो पुल है ये 200 करोड़ की लागत से बना हुआ है, 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत का बना हुआ है, और फ़िलहाल तो अभी कोई लाइट नहीं चली है, थोड़ी देर बाद लाइट चल जाएगी। और हम आए जिस दिन उसी दिन बारिश हो रही है, किस्मत देखो ना कैसी किस्मत लेके पैदा हुए। पर कोई बात नहीं, हम कैसे भी आएँ अब थोड़ी देर बाद लाइट चल जाएगी, तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं यहाँ की लाइटिंग्स और सिनेमैटिक्स चेक। गाइस यहाँ डोबरा चांटी पुल की लाइट्स खुल चुकी हैं, और हो सकता है वीडियो में थोड़ा ज़्यादा शेक आ रहा हो, बट क्या करूँ यार, मेरा हाथ स्टेबल नहीं हो पा रहा आज, थोड़ा हाथ में भी दर्द है तो हाथ स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो फिलहाल लाइट्स खुल चुकी हैं और हम अभी पुल के ऊपर ही जा रहे हैं। तो गाइस आसमान में यहाँ पर जो लाइट जल रही है वो पुल की जो लाइट है उसी की वजह से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आसमान में, और बादल भी कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बगल में पुल है और ये आसमान की पूरी लाइटिंग चेंज हो रही है। गाइस इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहीं पर एंड, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होने लग गई थी जिसके कारण मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। बट इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक फॉलो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नया ब्लॉग रेडी हो रहा है, वो आ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।